कैदी को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और वो पूरी भी की जाती है, ऐसा ज्यादातर भारतीय मानते हैं। इसके पीछे एक कारण भी है, कई कहानियों में ऐसा भी लिखा गया है और बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में भी अब तक यही दिखाया गया है। लेकिन अगर हम कहें कि 2012 में निर्भया की बलात्कार के बाद हत्या करने के दोषियों से उनकी अंतिम इच्छा नहीं पूछी जाएगी तो आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि अगर उनकी फांसी का वक्त आया तो उनसे कोई अंतिम इच्छा पूछी ही नहीं जाएगी। अब आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि सिर्फ निर्भया के कातिल ही नहीं, आजादी के बाद से अब तक जितने भी लोगों को फांसी दी गई है उनसे उनकी आखिरी इच्छा नहीं पूछी गई, चाहे वो बलात्कारी धनंजय महापात्र हो या फिर इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह और केहर सिंह हो। जब इन दोषियों से भी फांसी के वक्त इनकी इच्छा नहीं पूछी गई तो फिर मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब और संसद पर हमले के आतंकी असवल गुरु से तो उनकी इच्छा पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें हैरान होने वाली बात यह है कि कानून में फांसी देते वक्त अंतिम इच्छा पूछने का कोई प्रावधान ही नहीं है, जेल मैनुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं, यानी ये सिर्फ कहानियों और फिल्मी दुनिया की ही कल्पना है, हकीकत से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। आपको बता दें कि हैदराबाद गैंग रेप के चारों आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारे गए थे, जिसके बाद भी अब मनचले युवक घिनौनी हरकतों को करने से बाज नहीं आ रहे हैं और हर रोज दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। लोगों को अपने बच्चों को समझा कर रखना चाहिए कि कानून के नियमों का उल्लंघन ना किया जाए, इस प्रकार की घिनौनी वारदातों से बचा जाए। अब निर्भया गैंगरेप केस के सभी आरोपियों को भी फांसी देने पर विचार किया जा रहा है। तिहाड़ जेल के पूर्व डीजी अजय कश्यप के मुताबिक आखिरी इच्छा पूछने की परंपरा सिर्फ फिल्मों में ही दिखाई जाती है, जबकि हकीकत में ऐसा है ही नहीं। वे कहते हैं कि फांसी देना एक न्यायिक आदेश होता है जिसे हर साल में तय वक्त पर ही पूरा होता है। अगर फांसी के वक्त कैदी ने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर फांसी ना देने की इच्छा जता दी तो फिर क्या किया जाएगा? उनके मुताबिक फांसी देने से पहले एसडीएम के सामने कैदी की वसीयत जरूर करवाई जाती है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी और तमाम चीजों का उत्तराधिकारी कौन होगा और उसका अंतिम संस्कार कैसे और कौन करेगा। फांसी देने के वक्त कैदी को 22 फुट के एक तख्ते पर ले जाया जाता है, इस दौरान उसे नीचे से लेकर ऊपर तक काले कपड़े पहनाए जाते हैं। फांसी देने से पहले उसके हाथ और पांव बांध दिए जाते हैं और चेहरे पर भी काला कपड़ा डाल दिया जाता है। इसके बाद रस्सी का फंदा गले में डाला जाता है। इसके बाद तय वक्त पर जल्लाद फांसी के तख्ते का लीवर खींच देते हैं, जिसके बाद कैदी के पांव के नीचे का तख्त नीचे की तरफ खुल जाता है और कैदी का शरीर लटक जाता है। फांसी लगने के बाद आधे घंटे तक उसके शरीर को रस्सी पर लटका रहना दिया जाता है और उसके बाद डॉक्टर ये चेक करता है कि कैदी की मौत हो गई है या नहीं। उसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाता है और फिर अगर जेल सुपरिटेंडेंट को ये लगे कि मरने वाले के शव और उसकी चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो वे शव उसके परिजनों को सौंप देते हैं। निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को शुक्रवार यानी कल पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेल प्रशासन को दोषियों को पेश करने का आदेश दिया था, इसी के चलते चारों की पटियाला कोर्ट में एक साथ पेशी होगी। दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में निर्भया की मां रोने लगी थी और सवाल पूछा था कि कब होगी दोषियों को फांसी। उनका कहना था कि अभी तक एक दोषी ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई है, अब राष्ट्रपति उस पर फैसला लेंगे। बताया जा रहा है कि एक दोषी की याचिका खारिज होने की स्थिति में दूसरा डालेगा, फिर तीसरा डालेगा और आखिरी में चौथा, ऐसे में केवल समय बर्बाद होगा। इसी के चलते कोर्ट ने चारों को एक साथ पेश करने का आदेश दिया था। दूसरी ओर तिहाड़ जेल प्रशासन चारों दोषियों को फांसी दिए जाने की तैयारी भी कर रहा है। फांसी के लिए जल्लाद का इंतजाम करने के लिए यूपी के जेल प्रशासन को भी तिहाड़ प्रशासन की ओर से पत्र लिखा गया है। निर्भया की मां ने जब कोर्ट के सामने अपनी बात रखी और कहा कि एक एक कर
डाली जा रही याचिकाओं से समय खराब हो रहा है, तो जज का निर्भया की मां से कहना था कि इस मामले में सभी दोषियों का एक साथ ही डेथ वारंट जारी होगा। इसके बाद निर्भया की मां कोर्ट में रोने लगी थी। इसके बाद ही जज ने चारों को एक साथ कोर्ट में पेश करने वाली बात भी कही थी। साथ ही निर्भया की मां से कहा था कि चारों का एक साथ ही डेथ वारंट जारी होगा। निर्भया गैंग रेप केस के चारों आरोपी मुकेश, पवन, विनय और अक्षय अपना आखिरी वक्त गिन रहे हैं। इन्हें 16 दिसंबर को फांसी दी जा सकती है। दरअसल 16 दिसंबर 2012 की उस रात 4 नहीं 6 लोगों ने निर्भया के साथ दरिंदगी की थी। बाद में एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली थी और एक कम उम्र की वजह से फांसी के फंदे से बच गया। इस घटना के मुख्य आरोपी और बस के ड्राइवर राम सिंह ने साल 2013 में जेल के भीतर ही फांसी लगा ली थी। अक्षय कुमार सिंह का रोल, अक्षय कुमार सिंह घटना के दिन 16 दिसंबर को दिल्ली में नहीं था। 16 दिसंबर 2012 को वो 15 दिसंबर 2012 को ही अपने गांव जा चुका था और अरेस्ट भी वहीं से हुआ, यहां से कहीं से अरेस्ट नहीं। उसकी टिकट थी, उसकी सारी एविडेंस थी, वो सारी एविडेंस जो रखी गई है उसके आधार पर हमें पूर्ण रूप से लगता है कि अक्षय कुमार सिंह की और डिफरेंट एविडेंस है कि वहाँ जो रिकवरी दिखाई गई उससे रिकवरी इफेक्ट नहीं करती है। यहाँ का जो उसका कमरा दिखाया गया वो वहाँ था ही नहीं कभी। तो इस तरह से वो एक मजदूरी करने के लिए औरंगाबाद बिहार से यहाँ आया था और जो बस अलीज्ड बस थी उसके आधार पर उसका एक इम्प्लाई होने के नाते उसको भी वहाँ अरेस्ट करके इस झूठे केस में उसको बना के यहाँ तक कर दिया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।